हेलो जी, स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल बी आर ब्लॉग ते। उम्मीद करती हां तुसी वधिया और ठीक ठाक होवोगे, ते जनाब जी भी ठीक ठाक है, वधिया है, घैंट है, क्योंकि अज क्योंकि छुट्टी है। ते छुट्टी वाले दिन बंदे नूं जोश ज्यादा ही हुंदा, मतलब कि एक्साइटमेंट ज्यादा हुंदी। हाए बाहर नहीं जाना चाहते उदा, पर चलते हैं अज कि समान लिया। बहुत दिन का पेंडेंट पिया है, क्योंकि मुंडा भी नहीं आया। मैं क्या थोड़ा थोड़ा समान लिया भी हूँ, ज्यादा समान सारा घर का समान लिया है। मार्केट चलते क्योंकि ऐदा हूं मुंडा भी इस बार महीने के लगभग ही आया है, महीना ला के आया। तो मैं क्या हूं दुध कट्ठा लै लें, तो बार बार लिया नालों दूरों फिर औखा जा होता। तो इस करके थोड़े नाल सारदी भी ही अज लैके आने समान। तो मुंडा गया गड्डी लैन जिथे पार्किंग चलाई गड्डी, तो असं बिल्कुल रेडी हैं। बस मैं बूट बाट पाने माड़े मोटे जो भी पाने, तो यह तो तैयार ही है। मैं तैयार ही रहना ये तैयार है। तो बस हूँ असं जा रहे हैं बहर। इतने गड्डी अगे रुकी तां करके रुके हैं। तो मैं दसन दी कि गड्डी पहला जान तो पहला मार्केट जान तो पहला मेरे हिसाब से पहला धोने पैने कहते पे धोआ लें गड्डी, क्योंकि काफ़ी टाइम तो बहर खड़ी है, मिट्टी मुट्टी बहुत ज़्यादा पै गई है, तो गड्डी पहला वॉश करना पड़ेगा। देखो किन्ने सोहने फुल खिड़े है, साढ़े अपने यारा दे गड्डी बड़ी तेज चली है, इस करके किन्ने सोहने नज़र आ रहे हैं। इधर बैठे पुत्र जी, इधर बैठे बापू इन्हां दे चुप चाप, इधर बैठे सीनरी देखो, आ बार सीनरी सोहनी नजर आती है, बहुत सोहनी नजर आती है। जिहड़ियां जगह है सब फुल है, इन्हां तो बाद देखते हैं बारी आती है। इन्होंने लिन लाई है दो तीन, किन्नी किन्नी चार जगह है इतने जिथे गड्डी तो लगी है, सारियां बुक है। देखो गड्डियां इदा लगिया पई है, मगर लगी है गड्डी धोन, परली साइड ते धो रहे है, स्कूटरी धोन लगा है बंदा, छेती छेती बारी आ जानी साडी घर, पता किन्ना टाइम लगना है। इत्थे पानी मारिया मिंटो मिंट चल, साबण वाली चलानी है जां सिंपल पानी नाल ही धोनी है जां ब्रश नाल धोनी है, ओ तू डिपेंड है। पैसे पाई जो ते बटन दबाई, चलो हुण राकेश कुमार जी धोणगे गड्डी, ते दबाता बटन फटाफट, साबण वाला चलाया इन्होंने, क्योंकि झग हो रही है ना, तो सिंपल चलाएंगे बाद चो, सिंपल भी चलाना ही पैना क्योंकि पानी भी फिर मारने पर। हुण सिंपल पानी चला लो, हुण बतेरा हो गया, हुण धो होगी झग नाल, चल चलाते सिंपल पानी, साफ हो गई। देख लो किन्नी मिट्टी सी, किन्ने प्रेशर नाल धोंदी गड्डी, मिंटो मिंट ही साफ हो जाती है, वधिया सिस्टम है। पैसों के जोर से चलता पानी भी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ना बढ़िया साफ हो जाती गड्डी, एकदम चमक जानी हूँ देख। अच्छा ये पानी अलग होंगे कुछ, पानी दे कोई स्पेशल चीज है ना, मतलब स्पेशल अंदर पानी ब्रश नहीं मारना, हूँ बहुत सोहनी साफ हूँ पानी चलिया ना। किन्ने बटन है अलग अलग तरह, किन्ने तरह के, पांच तरह के है ना, पांच तरह का है, पांच चीजा है, की करना चाहते हो की है सारा कुछ उसे लिखे है। चमक चुकी है गड्डी, बस कोई लोड़ नहीं है, हूँ पिछले लिया बैग लिया गड्डी बैठी है बिच, तो चमक गई गड्डी। तो जेडे रेंदे रुदे माड़ा मोटा उपर पानी है, तो हवा ना ही सुक जाना है। हाँ देखो किन्ना सोहना, हूँ तुम्हें फिर तो दिखाने सीनरी, व्यू देखो किन्ना वधिया है, क्योंकि हरियाली छाई है इस वेले ना, तो काफी सुंदर है। 5 मिनट भी नहीं लगे, चलो जो भी है पर वधिया साफ हो, गड्डी लगा देने अंदर पार्किंग च, चले आए पार्किंग दे विच। मैं पहली बारी आई हूं मरका दम दी पार्किंग च, नहीं अभी तो बहुत बारी आए हैं पापा लैके चल गए होने, ये तो पहला पहुंच गए होने दे दूजे रस्ते की, असं भी थोड़ी अस आपू तेज चल पाने। इन्होंने चुक ली है कार, तो फिर चलते
बहुत छेती 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 करते अगे आ गए फटाफट ही दुध चक्कर लगे हम। बस बस जिधरों असी आए उधरों चलते हैं, बंद बंद च जरूर जाना इधरों चलते हैं ना। पार्किंग च आ गए हैं हूँ असी, रख दें समान वो उपर ही चढ़ के कर दे कारो जी ये चलती नहीं पी सी, टायर नहीं सही लगता ना, टेढ़ी टेढ़ी जाती टेढ़ी एक बन्नी भारा मैं तो लगता टेढ़ी टेढ़ी जी चलती भी जोर जहा लग। समान अं ले लिया तो चले हूँ बहर न पार्किंग चो बहर निकल लगे। पार्किंग च ना घुटन जी लगन दी मैनू, तो मैं क्या जो गर्मी होंगी होनी उदो तो बहुत ज्यादा घुटन होंगी होनी नहीं तेनू घुटन नहीं लिफ्ट तो भी लगती हरेक पास नहीं थोड़ा हैगा है जिदा गर्मी चे ज्यादा घुटन होए करनी पार्किंग क्योंकि गड्डियां दी बहुत ज्यादा स्मेल जी चढ़न दी है जदा पेट्रोल ज डीजल जी जो भी हैगी उन्हें चुक लेना पा ग्रासियस कहंदी बोन ब्याखे ਐਂਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨ ਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਬ ਉਹ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਢੰਗਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਕਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਲਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਟਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਕਾਇਆ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੜਨਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੜ ਦੇਣਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਕੱਢੀ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਚਾਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਚਾਵਲ ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਗਈ ਇਹ ਚਾਵਲ ਬਣ ਗਏ ਚਾਵਲ ਇਹਨੇ ਬਣਾਤੇ ਆ ਕੁੱਕਰ ਚ ਦਵਾਈ ਸੀਟੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕਰ ਖਾਣੇ ਆ ਜੋੜੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣ ਦਿਲ ਮੰਗੜਿਆ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦਿਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਉਦਾਂ ਫੰਟਾ ਹੁਣ ਪੀਵਾਂਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਧੀਆ ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਕੀ ਕੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੇਵਰੇਟ ਨਿਕਲਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ
फेवरेट ही है ना उनका राजमा चावल। तो बाकी हूँ असी कंटिन्यू करते हैं खाना पीना, तो उम्मीद करते हैं जो ब्लॉग तुमने शेयर किया वधिया लगा, जो वधिया लगा चैनल सबसक्राइब, वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दो, अगले नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं।